मुंबई के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के साकीनाका के काजूपाड़ा में शनिवार को स्थानीय कांग्रेस विधायक मोहम्मद आरिफ नसीम खान के सहयोग से पुनर्निर्मित प्राचीन हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार कार्यक्रम पूरी आस्था एवं भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी गिरी महाराज ने नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने कार्यक्रम के संदर्भ में अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। जो बनाने वाले हैं वो क्रिश्चियन हैं, है ना, ठेकेदार भाई साहब। क्या भाई साहब, क्या गजब युद्ध है। ये सब हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये 70 साल पुराना मंदिर है। अगर हम 70 साल जिए और तो अपने नाती पोतों को बताएंगे गोद में बिठा के कि हम ऐसे अवसर पर हम साक्षी बने थे इस मंदिर का और ये इस तरह मंदिर बना था। आप सब लोगों को बहुत आज अनेक लोगों ने आमचं कौतुक केलं। मी आपण सर्वांना सांगू इच्छितो की ही मी काही कोणाचा कोणावरही हे काही उपकार केलेला नाहीये। आमदार म्हणून या विभागाचा माझा कर्तव्य, त्या कर्तव्याचा निर्वाह करण्याचा कार्य या विभागामध्ये केलेला। अनुरागजीने सांगितलं की अनेक मंदिरं, पांडेजीने सांगितलं, डॉक्टर राजेंद्रजीने सांगितलं, या विभागामध्ये अनेक मंदिरांचं, अनेक धार्मिक स्थळांचं जीर्णोद्धार करण्यामध्ये मी यशस्वी झाले। मी यशस्वी का झालो, का होत असतो, माझा मन साफ आहे म्हणून होत असतो। आणि ज्याची इच्छा चांगली असते, ज्याचा मन शुद्ध असतो, त्याला प्रत्येक कामामध्ये सफलता मिळत असते हा इतिहास राहिलेला। आज गेल्या 20 वर्षापासून आपण सर्वांची सेवा करण्याचा मला अवसर मिळाला। आपण सर्वांनी मला शक्ती दिली, ताकद दिली। प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी वेगवेगळ्या प्रकारचा वातावरण होऊन सुद्धा आपण सर्वांनी एकजुटाने मिळून आपण सर्वांनी मला आशीर्वाद दिला आणि राज्याच्या विधानसभा मध्ये भरघोस मताने आपण मला निवडून पाठवलं। जर 5 वर्षामध्ये आपण आपलं कार्य, आपला आशीर्वाद देण्याचं काम करत असत, तर नसीम खान 5 वर्ष तुमची सेवा करण्याचा प्रयत्न करत असतो मनापासून। कारण ही जी ताकद आहे, ही ताकद देण्याचं काम आपण सर्वांनी केलेलं आहे। मला आज अनेक ठिकाणी, मी ते काय राजकीय बोलणार नाही, आज राजकीय विषय नाहीये। महाराजजी आलेले आहेत, एवढे मोठे सण कधी बघितला का ह्या चांदीवली मतदारसंघामध्ये आपण सर्व? आज 2-2 आले, 1 वर्षामध्ये 2 इथे आम्हाला लाभले। त्यांच्या आशीर्वाद आमच्या सोबत आहे, आपण सर्वांचे आशीर्वाद आमच्या सोबत आहे। म्हणून नसीम खान या चांदीवली मतदारसंघामध्ये प्रत्येक जाती, जमाती, धर्म मानणारे, भाषा बोलणारे लोक त्यांची सेवा करण्याचा मी नेहमी प्रयत्न करत असतो। आणि ते डॉक्टर राजेंद्र सिंग साहेबांनी खूप विस्तृतपणे त्यांनी सांगितलं, माझ्या सुद्धा तोच विचार आहे। ज्याप्रमाणे लोकांना शिक्षा घेण्यासाठी शाळामध्ये चांगला वातावरण पाहिजे, चांगली शाळा राहिली पाहिजे, राहण्यासाठी चांगला घर असलं पाहिजे, तसंच धार्मिक प्रक्रिया करण्यासाठी चांगलं धार्मिक स्थान असलं पाहिजे, जेणेकरून आपली धार्मिक प्रक्रिया त्या धार्मिक स्थानामध्ये बसून व्यवस्थित आपण पार पाडू शकतो। हे केलंच पाहिजे, हे केलं काही गैर नाही, हे सर्वांची जबाबदारी आहे। अनेक लोक मला विचारत असतात, नसीम भाई आप पहले आमदार है, पहले MLA है जो धार्मिक स्थान भी जीर्णोद्धार कराने का काम करते हैं। मैंने बोला, राजनेता वही सही होता है जो सभी धर्म को साथ में लेके, नागरिक सुविधा तो ठीक है, विकास का काम तो ठीक है, डेवलपमेंट का काम तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कार्य है जो हमारे हर समाज के धार्मिक स्थान है उनका भी सही वातावरण और सही सारी सुविधा वहां पर लोगों को उपस्थित होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ताकि एक अच्छे वातावरण में धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक प्रक्रिया लोग कर सके। आज अनेक क्षेत्र में, मुझे याद है
अनुराग जी ने अभी जिक्र किया खैरानी रोड की दुर्गा माता मंदिर, 8x10 की मंदिर जी, स्वामी जी भी वहां पर आए हुए, स्वामी जी के हाथ ही उस मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन छोड़ा हुआ था। वहां पर हमारे मिश्रा जी हैं, उस मंदिर को बहुत 60-70 साल से देखभाल करते थे आनंद जी। 8x10 की मंदिर थी और जो प्रागरण था, मैदान था, बहुत बड़ा मैदान था, उस मैदान में लंबे का गोडाउन रहा करता था, भाड़ा लोग लिया करते थे। मुझे मिश्रा जी आके एक दिन बोले, बोले भैया हम चाहते हैं कि खैरानी रोड के अंदर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो और हम वो चाहते हैं और आप हमें उसको, आप अपने कार्य को हाथ में लें। मैंने वहां के मुस्लिम समुदाय के लोगों को बुलाया, वहां प्रागरण में हमने मीटिंग ली, भागवत राय जी भी उस मीटिंग में मौजूद थे, मुझे याद है, राय साहब भी वहां पर मौजूद थे। हमने मीटिंग की और हम लोगों ने निर्णय लिया कि यहाँ पे मंदिर, नई मंदिर यहाँ पर बनाई जाएगी। और मुझे खुशी है कि वहां के रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों ने 60 लाख से ज्यादा चंदा खुद आकर लिखाया। ये हमारे देश की अनेकता में एकता है, ये हमारे देश का संस्कृत है, यही गंगा जमुनी तहजीब कह सकते हैं। आज एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए। मैं ज्यादा लंबी चर्चा यहाँ पर बात नहीं करना चाहता, मैंने जो भी किया है अपना कर्तव्य का निर्वाह किया है स्वामी जी, और आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए कि इसी तरह से सही कदम चलते हुए मैं अपने हर कर्तव्य का सही तरह से निर्वाह कर सकूं। ये मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूं, आप सबकी दुआएं चाहता हूं, ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आप लोगों ने सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक कुटुंब है, ऐसा मैंने कहा गया है। हमारे प्राचीनतम जो वेद है, उपनिषद है, उसमें कहा है ईशावास्यविदं सर्वम, जो कुछ दिखने में देखने में आ रहा है वो सब परमेश्वर है, परमेश्वर से बनाया हुआ ये संसार है। और तुलसीदास जी कहते, सिया राम मैं सब जगह जाने, मैं तो सब जगह सिया राम भगवती सीता और राम को ही देखता हूँ। ऐसी हमारी प्राचीन परंपरा और जिसमें हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, 1949 में बना हुआ हनुमान मंदिर और उसका शिलान्यास एक वर्ष पहले मैंने ही कहा किया, और मैंने पूछा था, मैंने कहा था कि हो सकता है इसका मैं उद्घाटन करने नहीं आऊंगा, और इन्होंने कहा था कि एक वर्ष के भीतर भीतर, तो ये आज अवसर प्राप्त हुआ है। जनता की अपेक्षा हमेशा से अपने जनप्रतिनिधियों से हर क्षेत्र में होती है, चाहे फिर वो गली नाले और सड़क बनाने की बात हो, चाहे नागरिक सुविधा मिलने की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, और या चाहे धार्मिक स्थल का, जितने भी धर्म के मानने वाले हैं उनके धार्मिक स्थानों का जीर्णोद्धार का मामला हो, तो कम से कम जनप्रतिनिधियों को इस बार पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मेरा एक मानना है, हमने अपने चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, बौद्ध विहार हो, जो भी धार्मिक स्थान हैं, उन स्थानों का अच्छा वातावरण हो, वहाँ पे सारी सुविधा मिले, अगर कोई जर्जर है तो उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, वहाँ पे सारी सुविधा हो मिलनी चाहिए, ताकि वहाँ पर आने वाला समाज, उस धार्मिक स्थान को मानने वाला समाज वहाँ पर आए और उसको एक अच्छा वातावरण मिल सके, ताकि अपनी धार्मिक प्रक्रिया को सही तरह से, शुद्ध रूप से वो उसको पूरी तरह से क्रियान्वित कर सके, ये हम चाहते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में सभी धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार पे हम विशेष ध्यान देते हैं, और उसी की कड़ी में श्री राम और हनुमान मंदिर काजूपाड़ा का यहाँ पर जीर्णोद्धार हुआ है। 1949 की ये मंदिर आज आप देख रहे हैं कि भव्य रूप से यहाँ पर तैयार की गई है, और आज उसका लोकार्पण सोहला भी विधिवत हुआ है। आज चंदीली विधानसभा के काजूपाड़ा क्षेत्र में जो हनुमान मंदिर का, जो आज महामंडलेश्वर स्वामी विश्वानंद गिरी महाराज के हाथों जो शुभारंभ हुआ है, निश्चित तौर पर पिछले कई सालों से ये मंदिर जीर्णोद्धार की प्रतीक्षा में था। मोहम्मद अली नसीम खान जो हमारे यहाँ के विधायक है, उन्होंने पहल करते हुए इस मंदिर के जीर्णोद्धार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जिस तरह से स्वामी विश्वानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने आशीर्वाद दिए हैं और जो जो उन्होंने उदाहरण पेश किए हैं, आने वाले दिनों में इस मंदिर की व्यवस्था हो या लोगों को जो एक सुविधा मिलनी चाहिए उस मुताबिक काम निश्चित तौर पर होगा।
पिछले कई सालों से ये मंदिर जीर्णोद्धार की प्रतीक्षा में था, आज जीर्णोद्धार हो चुका है और यहाँ के नागरिकों में बड़ी तादाद में खुशी का माहौल है कि किस तरह से एक पुराने मंदिर को जीर्णोद्धार करने का काम एक मुस्लिम विधायक ने किया है। मैं चांदौली विधानसभा की जनता की ओर से, काजूपाड़ा की जनता की ओर से और खास करके समर्थ सीताराम दास स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से नसीम खान और उनके पूरे टीम का आभार मानता हूँ। ये सीताराम दास स्वामी मंदिर है, ये श्री राम हनुमान मंदिर है, ये मंदिर 1949 का मंदिर है और आज इतना पुराना मंदिर है और एक साधु का मंदिर था। 1949 से आज तक इस मंदिर पे कोई नेता, बहुत से नेता लोग आए, बहुत से नेता लोग ने राजकारण किए कि बोले हम बनाएंगे हम बने, बहुत से नेता लोग ने 4-5 नरियल तोड़े मगर कोई बना नहीं पाया। उसके बाद में मैं नसीम भाई के पास गया, नसीम भाई को बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, बोले तुम डरो मत, मैं तुम्हारा मंदिर बना दूंगा। और आज भाई ने एक साल के अंदर ये मंदिर बनाया है, इसके लिए मैं भाई का बहुत बहुत शुक्रिया आदर चाहता हूँ और बहुत बहुत जो हमारे मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब के हाथों इतने सब शुभ अच्छे अच्छे कार्य होते हैं और सभी लोग उनके लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि वो फिर से विजय हों और फिर से इसी चांदीवली तालुका में आके फिर से अपना पताका फहराएँ और ऐसे ही मंदिरों का जीर्णोद्धार करते रहें। जी अभी श्री राम हनुमान मंदिर का देखो आज ही उन्होंने जीर्णोद्धार किया है, एक साल पहले नारियल तोड़ा था, आज जीर्णोद्धार हुआ है। वो जो करते हैं कहते हैं वो करते हैं।